फाइव का नाइन नंबर बहुत ही सिंपल है यहाँ एल लो पहले एलएचएस में दिया है टेन साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव प्लस कॉट इनवर्स थ्री बाई टू चलो इसको सॉल्व करते हैं टेन साइन को यहाँ पे किसमें चेंज करना होगा टेन में क्योंकि देखो बाहर टेन में है तो इसको भी टेन में चेंज करो और इधर भी टेन में चेंज करो तो बहुत ही सिंपल है आपको बताया है जैसे अगर साइन इन वर्स वाले की बात करें इसको ले तो अगर इसको एंगल लेंगे तो ये थ्री बाई फाइव ये ना हो जाएगा पी बाई एच एक्चुअल में इस तरह से नहीं बनता है इतना शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं बस एक्चुअल में पहले क्या लिखना होगा देखो इसको तरीका देखो साइन इन वर्स थ्री बाई फाइव इक्वल टू थीटा तो यहां से आ जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू थ्री बाई फाइव तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच तो हो जाएगा थ्री बाई फाइव अब इसके बाद बी निकालेंगे तो बी बराबर हो जाएगा रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी यानी कि हो जाएगा पांच का और तीन का स्क्वायर स्क्वायर और घटेगा मतलब आ गया चार तो ये चार हो गया तो साइन थीटा जो आपका चार हो गया हमें टेन में निकालना है तो यहां से टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी बाई बी चलो इसको उधर भेजो तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन सॉरी टेन इनवर्स

ठीक है अब इसको टेन में क्या होगा तो पी बाई बी तो इतना लिखेंगे उससे अच्छा ये शॉर्ट में हो गया ऐसे इसको लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा अच्छा कॉट है तो पलट दो खाली आपका टेन में चेंज हो जाएगा टेन इन वर्ष टू बाई थ्री या आप टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इन वाई का फॉर्मूला लगा दो तो हो जाएगा टेन इन वर्स थ्री बाई फोर प्लस टू बाई थ्री बाई वन माइनस थ्री बाई फोर इंटू टू बाई थ्री 2 by 3 सॉरी चलो ठीक है अब देखो इसको सॉल्व करते हैं 10 10 इन्वर्स आप देखो यहाँ एलसीएम लोगे तो एलसीएम होगा 12 इसमें से जाएगा 3 3 3 जा 9 और इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 है 4 2 जा 8 और बाय में देखो यहाँ भी एलसीएम 12 ही लो काटो नहीं एलसीएम ले लो 12 तो यहाँ हो जाएगा 12 minus 13 दोनों 6 ये कट जाएगा 10 टेन इनवर्स ऊपर हो जाएगा आपका सेवनटीन और नीचे आ जाएगा सिक्स टेन से 10 बस हट गया 17 बाई सिक्स यहाँ से आपका आ गया प्रूफ हो गया ना समझ गए क्वेश्चन नंबर